किसान जवान किसान मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है ना मोदी के दलाल एंकरों को है रूबी का लिहाज। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का सच दिखाया जाता है। तो पहले क्लिप में हम देखेंगे कि कैसे बीजेपी के नेता पहले तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अनाप शनाप बोलते रहे कि कैसे वो यूक्रेन में जो फंसे हैं वो उनकी खुद की गलती है जो वहां अपना फ्यूचर बनाने की सोच रहे थे, और जब वो इंडिया लौटे तो उनसे ग्रेटिट्यूड की अपेक्षा लगा रहे थे, तो कैसे उन स्टूडेंट्स ने बीजेपी के नेता की बेइज्जती की। अगले क्लिप में हम देखेंगे क्या होता है जब गोदी मीडिया को उनकी पेमेंट समय पर नहीं मिलती, तब कैसे उनका जमीर जागने लग जाता है, पर फिर कुछ लम्हों के बाद जब पैसे मिल जाते हैं तो फिर जमीर पैसों के बोझ तले दब जाता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने विदेशों में जमा काले धन को लेकर एक वादा किया था, जिसे बाद में बीजेपी ने जुमला बता दिया था। हालांकि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद विदेशी बैंकों से कितना काला धन वापस आया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन भारतीयों का कितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा हुआ उसका सालाना रिकॉर्ड स्विस बैंकों ने भारत सरकार के साथ शेयर किया है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि जब कोरोना के समय में देश की आम जनता से लेकर अर्थव्यवस्था तक संकट से गुजर रही थी, तब स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसों में ताबड़तोड़ और रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज हुआ। स्विस बैंकों में 2020 में भारतीयों का पैसा 255 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो 2019 में 6,625 करोड़ था, यानी एक साल के अंदर स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसे में करीब 300% की वृद्धि दर्ज की गई। इस समय स्विस बैंकों में भारतीयों का जितना पैसा जमा है। बीजेपी के मिनिस्टर सुब्रमण्यन स्वामी ने अपने ट्विटर पर यूक्रेन बनाम रूस के युद्ध के दौरान देश के प्रधानमंत्री पर तंज कसते ऐसे शब्द बोले कि सभी लोग ट्विटर पर दंग रह गए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 140 करोड़ लोगों वाले देश का प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल हिजड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पीएम और भक्त बेगुनाह लोगों की मौत पर भी रूस को सपोर्ट कर रहे थे। अगले क्लिप में आपको पता लगेगा पाकिस्तान का सच, क्या है पाकिस्तान के नापाक इरादे, पाकिस्तान की यूक्रेन में एम्बेसी ने की बेशरम हरकत। ये चीजें गोदी मीडिया कभी आपको नहीं दिखाएगा। और देखें कैसे पाकिस्तान एम्बेसी ने हमारे इंडियन छात्रों की सहायता की, उन्हें खाना खिलाया, पर आपको सबको गोदी मीडिया हमेशा पाकिस्तान का बुरा पक्ष ही दिखाएगा। तो ये है पाकिस्तान के बच्चे जिनके साथ हम भी बैठे हैं, हम चार इंडियन है, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं, देख सकते हैं। कल खारकिव से लिविव पहुंचने के बाद इतनी भीड़ थी, कोई नहीं था इंडियन एम्बेसी का, बहुत ढूंढा हमने, बहुत ज्यादा ढूंढा। दोस्तों, हमारा इकलौता ऐसा देश है जहां एक सो कॉल्ड घटिया पत्रकार खुलेआम मुस्लिम लोगों को वायरस बताता है और उनके खात्मे के लिए दूसरे इस्लामोफोब को बोलता है, पर इन घटिया लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आने वाली पुश्तें इसका परिणाम भुगतेंगी, क्योंकि नफरत सिर्फ नफरत पैदा करती है, प्यार नहीं। अपने कोरोना काल में एक छोटे से वायरस को आपने बड़े गंभीरता से लिया, लेकिन एक 7 फुट ऊंचा 3 फुट चौड़ा हैदराबाद से एक वायरस आता है और यहाँ पर सुअरों को इन्फेक्टेड करता है, उससे कैसे आपके राज्य को बचाएं? तो जितने ही प्रकार के वायरस आएंगे उनको नियंत्रित करने का हमारे पास बहुत अच्छा प्रबंधन है। अगले क्लिप्स देखकर आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि अगले क्लिप्स में हमारी सबकी चहेती टॉप की गोदी एंकर रूबी की लियाकत अपनी फुल जोर शोर से बेइज्जती करवाएंगी। अगर इसे देखकर आपको भी हंसी आए तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें। खड़े होके ताली बजा दूं आपके लिए या आप ही की आरती उतार दूं, क्या करूं? अद्भुत, क्या लॉजिक है सर, आनंद आ गया। ऐसा है कि आरती उतारने लायक तो आप हो ही नहीं। आपको याद है अखिलेश जी, जब नोटबंदी हुई थी तब आप दिल्ली में थे और चाय पर आपने मोदी जी से चर्चा की थी, उनकी मायावती बकवास चाय मैं तो नहीं पी सकता। मुझे मायावती का बयान याद है, तभी आपको बहुआ कहा था उन्होंने, उन्होंने कहा था ये सर, तभी ये छोड़ भूल जाइए इन बातों को, मुझे क्या कहते हैं मैं क्या कहता हूँ ये भूल जाइए, आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए। मुझे आप क्यों? आप सवाल करेंगे क्यों? आप या तो मोदी के प्रवक्ता बन जाइए, ये नहीं हो सकता, मोदी की प्रवक्ता की बात नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। अरे ठहरिए, अभी रूबिका की बेइज्जती खत्म नहीं हुई,
अगले क्लिप में देखें कैसे एमएम के असदुद्दीन ओवैसी रूबिका की क्लास लेते हैं और उनको सिखाते हैं कि पत्रकार का असली काम क्या होता है, ना कि सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता बनना। असद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो दूसरे आपके एमपी आए वो महाराष्ट्र से आए हैं, तो इस बार महाराष्ट्र में आपके पर जो है थोड़े ज्यादा बड़े देखे जा सकते हैं। सवाल का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप एक मौजूद चैनल के एक मौजूद एंकर हैं। आप इस तरह के अल्फाज मत करिए, पार निकल रहे हैं, क्या मतलब? अगले क्लिप्स में हम देखेंगे हमारे सबके होम मिनिस्टर अमित शाह के सबसे फनी मोमेंट्स, जहां उनके कितनी बार टंग स्लिप हुए और कितनी बार उनके मुंह से जुमला निकला। 125 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ेगी भूमि पर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बुला भला बाद में, क्योंकि हमारे बेहतरीन उच्च दर्जीय होम मिनिस्टर इस क्लिप में मास्क कैसे पहनते हैं वो भी भूल जाते हैं, मुंह की जगह अपने सर पर लगाने लग जाते हैं। अमित शाह नरभक्षी जो है भाजपा का जो अध्यक्ष है, ये बिल्कुल पागल हो गया। मोदी जी ने जो राहत भेजी है वो ही कहना चाहता हूँ, 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ों रुपया मोदी जी ने सीधा डीबीटी। मतलब इतना ज्यादा एजुकेशन है हमारे सभी बीजेपी के नेताओं के पास कि जिसका हम और आप सिर्फ ख्वाबों में अनुमान लगा सकते हैं। इस क्लिप में देखें कैसे हमारे प्रिय होम मिनिस्टर आत्मनिर्भर बोलने पर 100 बार फंबल करते हैं। होकर आत्मनिर्भर भारत निर्माण के अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल। अभी अमित से आगे क्लिप्स खत्म नहीं हुए। अगले क्लिप में हमारे होम मिनिस्टर को लोग बोलने ही नहीं देते और वो बेचारे कोशिश करते रह जाते हैं कि उनका भाषण पूरा हो जाए, पर नहीं, लोग कम्युनल हेट और नहीं सुन सकते मेरे भाई। उन्हें एक नई दिशा और स्वास्थ्य प्राप्त करने का, अरे यार क्या कर रहे हो? अभी आपके सामने हमारे स्वास्थ्य प्राप्त करने का दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी। गणेश बैठ जाओ। अगले क्लिप में अमित शाह आप और हम सबको बताएंगे कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी कौन सी है। आप हमारे शब्दों पर तो भरोसा नहीं करते, तो शायद बीजेपी के खुद के नेता और सबके होम मिनिस्टर अमित शाह की ही बात मान ले। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर वन सरकार का अवार्ड देना है। ये वो लोग हैं जो हम सबका देश चलाते हैं और जो CAA NRC लाने के विचार कर रहे हैं, पर इन सबको कोई ये पूछे तो सही कि भाई CAA और NRC का फुल फॉर्म क्या है, ये हमें बता दें। बेहतरीन अंदाज है अमित शाह का, और असम एकॉर्ड की आत्मा ये NRC है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, प्रधानमंत्री ने साइन किया, और असम एकॉर्ड की आत्मा ये NRC है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRC नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ। और अगले क्लिप में हम देखेंगे कि नए नए गोदी मीडिया के एंकर बने अमन चोपड़ा की धज्जियां उड़ जाती हैं जब उसके ही डिबेट शो पर बुलाए मेहमान उनकी और उनके चैनल की पोल खोल देते हैं और कहते हैं कि जी न्यूज ने बीजेपी का मखौटा पहना हुआ है। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आज के बाद जी न्यूज़ ZNCL के खिलाफ एक शब्द मत बोलिएगा।
ये गोदी मीडिया वाले तजुर्बेकार लोग रूलिंग पार्टी बीजेपी से कभी कोई ढंग का सवाल नहीं पूछेंगे। अगर कोई गलती होगी तो जवाहरलाल नेहरू की गलती होगी, अगर कोई और बड़ी गलती होगी बीजेपी से तो सारी गलती होगी विपक्ष की, जो बीजेपी को रोक नहीं सका। तो पट में जीता चित तू हारा भाई। विपक्ष अपनी भूमिका छोड़कर देश से ही लड़ रहा है, ठीक सुन रहे हैं आप, देश से ही लड़ रहा है, देश विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रहा है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। लेकिन मोदी विरोध में विपक्ष सियासी ब्रेक लगाने में ऐसा लगा है कि वो ये नहीं देख रहा कि जनता का फायदा हो रहा है या फिर नुकसान। गार साहब, आप मुझे समझाइए, आपके लिए देश ऊपर है कि पार्टी ऊपर है? और अगर देश ऊपर है, हर चीज में विरोध करने से क्या फायदा होगा देश का? और जो जनता आपको जिता रही है, जो जनता का वोट मांगते हैं, उसकी तो बात रखनी पड़ेगी ना वकार साहब। हाँ सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? हाँ। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.